नमस्कार, आप देख रहे हैं टूजेड न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। बात आज का जो विषय है वो है खाने की कीमत, आखिर जो निर्धारित की जा रही है तमाम राजनेताओं की तरफ से, या फिर जो तमाम अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं खाने की कीमत को लेकर आ रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में उसी कीमत पर एक बेहतर भोजन किया जा सकता है, एक आदमी का पेट बेहतर तरीके से भर सकता है? सबसे अहम सवाल यही है और आज का हमारा विषय भी यही है। जानने की कोशिश करेंगे कि राशिद मसूद की बात करें, जो कि कहते हैं 5 रुपए में जामा मस्जिद इलाके में भरपेट भोजन मिल सकता है, या फिर अगर राजबब्बर की बात की जाए, वो कहते हैं कि मुंबई में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर 12 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकता है, या अगर बात फारूक अब्दुल्ला की करें, जो कि कहते हैं कि 1 रुपए में भी भरपेट भोजन किया जा सकता है। कितनी इन बातों में सच्चाई है, कितने तरीके के जो दावे किए जाते हैं उनमें सच्चाई है, इसी बात की पड़ताल करेंगे। पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है। मुंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। दिल्ली में है, देश के तमाम हिस्सों में, देश के तमाम इलाकों में भी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर खाने को लेकर इस तरीके की बहस छिड़ी हो, देश भर में बहस छिड़ी है, लेकिन हम चूंकि दिल्ली में हैं, पड़ताल करने की कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर भोजन खिलाया जाता है, बनाया जाता है, लोग भोजन का बिजनेस भी करते हैं, यानी कि दुकानें ऐसी हैं, रेहड़ी ऐसी हैं जहां पर खाने का बिजनेस होता है, लेकिन एक आम आदमी को छूने की कोशिश करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सच्चाई कितनी है, जितनी दिखाई पड़ रही है उतनी है या फिर उसके उलट भी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कितने समय से आप खाने से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं? 10 साल से इस काम में हूँ जी, और खाना बना के खिला रहा हूँ। क्या क्या आज आपने बनाया या अमूमन क्या बनाते हैं? अमूमन में दाल सब्जी चावल और रोटी, इसके अलावा और कुछ नहीं। दाल सब्जी चावल रोटी, यानी कि लगभग 4 चीजें आपके खाने में, आपकी मेन्यू में रहती है। एक थाली की अगर हम बात करें, चूंकि बहस इस बात की है कि 12 रुपए में भी पेट भर सकता है, भर पेट 1 रुपए में भी और 5 रुपए में भी, तो वाकई में जो थाली आप देते हैं, जो लोग खाने आते हैं, लगभग कितना खर्चा आपका होता है बनाने में? उसमें खर्चा लगभग 20 रुपए आता है जी, और बेचते और लगभग कितने? हम उसको 30 रुपए में बेचते हैं, उसमें हमारी दुकान का किराया भी होता है और हमारे नौकरों की सैलरी भी होती है, वो इस वजह से इससे नीचे जी। लेकिन कहा यह जा रहा है, क्योंकि आप इतने समय से काम कर रहे हैं इससे जुड़ा, कहा यह जा रहा है कि जो खाना है वो 12 रुपए में भी मिल जाता है भरपेट, तमाम राजनेता हमारे कहते हैं 1 रुपए में भी और 5 रुपए में, तो आपको क्या? मेरी ये नहीं समझ में आता है कि राजनेता ये कहते हैं 12 रुपए में मिल रहा है, जरा उन राजनेताओं को जरा ये तो पूछिए कि वो 12 रुपए में खा सकते हैं? 12 रुपए की तो एक बिस्लरी की बोतल ही एक आधा घंटे में वो पी जाते हैं, समझे? बाकी खर्चे कहाँ से आएंगे उनके? क्या खाली पानी पी के वो रह जाएंगे राजनेता? आपने कभी ऐसी स्थिति देखी? जब बिल्कुल स्थिति है, हम सबसे सस्ता खाना हम समझते हैं करोल बाग में देते हैं, और इसीलिए हमारे पास लाइन लग के बिकता है जैसे कोई भंडारा लगा होगा। बिल्कुल, ये भी बात साफ होती है कि हम करोल बाग में हैं, सबसे सस्ता खाना देते हैं, ऐसा भी इनका कहना है, लेकिन जो लोग खाना खाने आते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या लगता है कि इतना सस्ता खाना उन्हें दिल्ली में कहीं मिलता है या जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं उन्हें मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी खाना खा रहे थे, क्या आपको लगता है कि इतना सस्ता खाना जो कहा जा रहा है मिलता है कहीं पर? कहीं नहीं मिलता जी, दिल्ली से सस्ता खाना कहीं नहीं मिलता। नहीं, दिल्ली से सस्ता खाना चलिए मानते हैं कहीं नहीं मिलता होगा, लेकिन दिल्ली में भी जो कीमत बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है, 12 रुपए में और 1 रुपए में मिल जाता है। आप खाना खाते हैं, कितनी कीमत चुकाते हैं एक मील की? आप लगभग खाने पर कितनी कीमत अदा करते हैं? कम से कम 30-40 रुपये। 30-40। इससे सस्ता कभी खाना आपने खाया? नहीं खाया। इससे सस्ता खाना कभी नहीं खाया? ये है नहीं कहीं भी, पूरी ऑल इंडिया में, दिल्ली में। साफ समझा जा सकता है कि इतना सस्ता खाना जो कि बार बार बताया जा रहा है कि खाना 12 रुपए में भी मिल सकता है भरपेट, राजनेता जरूर कहते हैं, लेकिन इसके उलट तस्वीर क्या है
ये नब्ज टटोलने की हम आम जनता से कोशिश कर रहे हैं, इसी बात की हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई हकीकत यही है या इससे उलट भी कुछ है। और भी लोगों से जानेंगे, सीधे चलते हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये तो एक महज होटल की बात थी, लेकिन और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या स्थिति ऐसी ही है या उससे उलट है। पेट भरने के लिए एक रुपए से भी भर सकता है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ।